हेलो एवरी वन टूडे वी विल बी नोइंग वट इज़ एडजेक्टिव एंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं और कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव का मतलब बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए जब मैं इसका मतलब आपको बताऊंगी ही इज ए फैट बॉय हाउ इज अ बॉय बॉय इज ए फैट this is a black buffalo what is the color of the buffalo buffalo is a black he is a hard working man how is a man man is a hard working he ate much food how much food did he eat he ate much food okay तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है एडजेक्टिव का मतलब होता है जब वो नाउन के बारे में बताता है वो कैसे है किस किस तरह के नाउन uh, है ठीक है वैन इट डिस्क्राइब्स ए नाउन वैन इट टल्स अबाउट ए नाउन हाउ इज़ द नाउन इज कॉल्ड एज्जेक्टिव्स इन सिंपल वर्ड वी कैन से एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इट डिस्क्राइब अबाउट द नाउन ये नाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है हार्ड वर्किंग फैट ब्लैक मच ओके इट टेल्स अबाउट नाउन्स मोर अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस ये नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में हमको बताते हैं वो किस तरह के हैं ठीक है नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हाउ मनी काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर देयर देर आर फोर काइंडस ऑफ एडजेक्टिव द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी थर्ड इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव सो ऑल दिस ऑल द फोर मीनिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग नाउ लेट्स मूव विद द फर्स्ट वन दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं वो पढ़ते हैं पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोस द क्वालिटी और काइंड ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स क्वालिटी मींस क्या है वो किस तरह के चीज़ है वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह के जगह है उसके बारे में बताता है एडजि एडजेक्टि ऑफ क्वालिटी quality or kind adjectives of quality means it shows the quality or kind okay examples are he has an excellent book what type of book he has he has excellent book this is a new watch new will be adjectives of quality okay adjective of quality means it tells about the वट कइंड ऑ ऑफ थिंग्स पर्सन और प्लेस इज ओके नाउ लेस मूव टू द सेकेंड एडजेक्टिव एडजेक्टिव दैट इज़ एडजेक्टि ऑफ क्वान्टिटी द फर्स्ट वन वॉज एडजेक्टिवस ऑफ क्वालिटी सेकेंड इज एडजटिवस ऑफ क्वान्टिटी कोटिटी मीन्स वर्ट क्वान्टिटी हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग क्वान क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं एंड इट टेल्स अबाउट हाउ मच ऑफ ए थिंक कितना है हाउ मच ओके एग्जांपल आई डू नॉट हैव एनी मनी वेन एवर द नाउन इज अनकाउंटेबल दैट टाइम वी आर यूजिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी आई डू नॉट हैव एनी मनी एनी अनकाउंट ये मनी अनकाउंटेबल हो गया इसके पास कुछ पैसे नहीं है ठीक है ही एट मच फूड मच विल बी द एजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी फूड कैन नॉट बी काउंटेड देयर इज सम कॉफ़ी इन द मग कॉफी नाउन हो गया कॉफी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसको डिस्क्राइब किया है सम से सो so, ये सम हो गया adjectives of quantity next vicky has lost all his wealth wealth hai uncountable noun ho gaya kyunki vicky ka jo wealth hai wo count नहीं हो सकता था पूरा जो भी है वो चला गया है ठीक uh, है ऑल हीज वेल्थ इधर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है ऑल विकी का जो भी वेल्थ था वो सारा चला गया तो इसके पास अभी कुछ वेल्थ नहीं है तो अनकाउंटेबल हो गया इसको काउंट नहीं, नहीं कर सकते कुछ भी नहीं है तो फिर ये ऑल हो गया इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेट्स मूव टू द थर्ड एडजेक्टिव्स, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मीन्स इट टेल्स अबाउट हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर देर दिस एडजटि ऑफ नंबर्स कैन बी यूज इन काउंटेबल नाउन ये काउंटेबल नाउन में यूज़ होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सम स्टूडेंट्स हैव फेल्ड क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो काउंट हो जाएगा उनमें से कुछ लोग फेल हो गए हैं जो कुछ लोग हैं उनको काउंट कर सकते हैं इसलिए इधर स्टूडेंट्स हैं नाउन और उसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया सम आपने देखा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ भी में भी सम यू इस्तेमाल होता है पर इसका जो नाउन है देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है कॉफी को काउंट नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये उसका अनकाउंटेबल नाउन में सम इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में जब भी कोई जब जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अगर डिस्क्राइब कर किया जाता है तो उस वो होता है एडजेक्टिव ऑफ़ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो हम चीज़ काउंट कर सकते हैं जो जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं अगर अगर उस नाउन को एडजेक्ट उस नाउन को अगर एडजेक्ट एडजेक्टिव वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है तो वो हो जा जैसे कि सम उधर भी क्वांटिटी में भी सम इस्तेमाल किया गया था पर सम कॉफ़ी कॉफ़ी होता है अनकाउंटेबल नाउन तो उस सम में वो एडजक्टिव ऑफ़ क्वान्टिटी हो जाता है और ये स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं इस नाउन को इसलिए ये वाला सब एडजेक्टिवस ऑफ नंबर है नेक्स्ट इज़ देयर आर नो बुक्स इन माई बैक नो बुक्स इन माई बैक बुक्स इज़ ए नाउन इस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं और इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है नो no. तो ये है एडजेक्टिव ऑफ़ numbers many flies are flying around flies is a noun which we can count their describing words is many which is adjectives of number next there are three mice looking at the cat how many mice are there there are three mice whenever we use the word we can use the question how many and answer comes then it's an adjective of नंबर एंड वेनएवर वी यूज़ हाउ मच जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन हाउ मच वो हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी लेट्स मूव विद आवर फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स पॉइंट आउट एट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इट टेल्स अबाउट वेयर आर द थिंग इज ओके चीज़ और पर्सन कहाँ पर है वो पॉइंट आउट करते हैं और इसमें सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस होता है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कार इज़ माइन दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर दिस एप्पल्स आर स्वीट नाउन को देखने से आपको पता चल जाता है ये प्लूरल है और इधर कार है सिंगुलर में और जब सिंगुलर में दिस यूज़ होता है और वो चीज़ आपके पास होती है तो टी एच आई एस ये वाला दिस इस्तेमाल किया जाता है टी एच ई एस सी डिज ये प्लूरल है जब एक से ज़्यादा चीज़ हो और वो हमारे पास हो टी एच ई एस दिस यूज़ इस्तेमाल किया जाता है दैट बॉल इज़ माइन दैट इसे demonstrative adjectives, when the thing is singular and it's far away. अगर वो चीज़ एक ही है और हमसे दूर है तो that इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? Those mangoes are sweet mangoes. Plural. एक से ज़्यादा है और वो दूरी में है तो टी एच ओ एस सी इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई भी चीज़ एक है और हमारे पास है टी एच आई एस दिस अगर एक से ज़्यादा है और हमारे पास है टी एच ई एस सी दिस एक ही है और हमसे दूर है तो टी एच ए टी दैट एक से ज़्यादा और हमसे दूर है टी एच ओ एस सी इसलिए मैंने इसको दूरी में लिखा है ताकि आपको समझ में आए और ये पास में रखा है ताकि आपको ये समझ में आए कौन सा दिस इस्तेमाल होता है और ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए टी एच ई दिस अगर एक ही हो चीज़ और दूरी में हो टी एच ए टी दैट एक से ज़्यादा और दूरी में टी एच ओ ऐसी दोस्त ये हमने हम लोग प्रोनाउन में भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी देखा होगा उसमें भी ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी ऐसे ही होता है दिस दैट डोस इस्तेमाल किया जाता है पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है कि नाउन से पहले ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखा जाता है ठीक है यही डिफरेंस है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है नाउन से पहले डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है इधर सारे नाउन से पहले हैं देखो थैंक यू